आज आए हैं हम रामधाम खेड़ापा, जो कि रामसनेह संप्रदाय का प्रमुख पीठ है। जो चार प्रमुख पीठ हैं, रामधाम खेड़ापा, सी स्थल, रैण और शाहपुरा, उनमें से चार पीठ में से ये एक है। आइए दर्शन करते हैं। जय श्री राम। इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे रामधाम खेड़ापा के। भारत भर में सनातन धर्म परंपरा का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसका गर्भगृह मुख्य मार्ग से भी दर्शनीय है। जोधपुर नागौर नेशनल हाईवे 62 पर स्थित रामधाम खेड़ापा रामसनेह संप्रदाय की परंपरा को आज विश्व भर में सुविख्यात कर चुका है। प्रभु श्री राम के आदर्शों को यथार्थ में चरितार्थ करने की प्रेरणा देता यह धाम अपने आप में सात्विक भव्यता और आध्यात्मिकता का पर्याय है। रामधाम का मुख्य मंदिर अत्यंत आकर्षक है। शीशे की कारीगरी से बनी दीवारें और छत हमें अपनी पिछली गिर भाकर और मेवासा धाम यात्रा याद दिला रही थी। आई बटन पर क्लिक करके आप उनके दर्शन लाभ भी कर सकते हैं। दीवारों पर लिखी हर पंक्ति आपको भजनमय जीवन जीने का संदेश देती है। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विस्बेल, सतगुरु संत अनंत हैं, प्रभु से कर दे मेल। मुख्य मंदिर के परिक्रमा पथ पर रामधाम के ब्रह्मलीन आचार्य श्री की तस्वीरें आपको स्वतः ही नतमस्तक कर देती हैं और साथ ही आपको यहाँ पर अखंड ज्योत के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। खेड़ापा रामधाम की महिमा जन जन तक पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम ला रहे हैं आप तक उन मंदिरों के दर्शन वाले वीडियोज जो सनातन परंपरा और हिंदू धर्म का सत संदेश पूरे विश्व तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ के धाम में संत जन और उनके अनुयायियों के राम जप के लिए विशेष कक्ष हैं, जहाँ बैठकर अखंड राम नाम का जप होता रहता है। चलिए अब चलते हैं श्री दयालु गुफा और 68 तीर्थ धाम की ओर, जो अनेक चमत्कारों के साक्षी रह चुके हैं। यहाँ पर जो संत महापुरुष हुए उनकी समाधियाँ हैं, आदि आचार्य रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री पूर्णदास जी महाराज, श्री अर्जुनदास जी महाराज आदि जो आचार्य हुए उनकी ये समाधियाँ हैं। भगवत अर्चना में नाम लेखन का भी बड़ा महत्व है और खेड़ापा धाम के लाखों श्रद्धालु है जो नाम लेखन करते हैं और जो पुस्तिकाएं जो नाम लेखन की पूर्ण होती है उनको यहाँ लाकर चढ़ाया जाता है। ये राम नाम की महिमा का ही कमाल है कि प्रभु श्री राम का नाम 20 से भी ज्यादा भाषाओं में यहाँ के पत्थरों पर उकेरा गया है। ये जो पहाड़ी है ये रामदास जी महाराज की मुख्य तपोस्थली है। अभी हम वहां चलेंगे और देखें। अब हम चलते हैं राम छतरी और दयाल गुफा के दर्शन करने। ये स्थान है ग्रंथ करुणा सागर का रचना यही हुई थी, करुणा सागर की आचार्य श्री दयालुदास जी महाराज। दयालुदास जी महाराज छोटी अवस्था में यहाँ भजन करने के लिए आए, भगवान ने स्वयं इस गुफा का निर्माण किया। ये जो शिलाखंड है ये मतलब प्राकृतिक इसकी बनावट है। बाद में जब महाराज ने यहाँ पर तपस्या की तो देवराज इंद्र उनकी तपस्या से भयभीत हो गए
और उन्होंने एक अप्सरा को भेजा जो यहाँ पर काफ़ी समय तक यहाँ रही और उन्होंने महाराज की तपस्या भंग करने की कोशिश की। बाद में जब उनकी तपस्या नहीं बिकी तो उसने साफ दिया कि आप अंधे हो जाओगे। 6 माह तक उनकी आंखों में पीड़ा रही नैरोदास जी महाराज की, और बाद में जब आंखों की पीड़ा लगातार रही तो उन्होंने बाद में भगवान से करुणा की और करुणा सागर ग्रंथ की रचना की। यहाँ पर करुणा सागर के पाठ का और राम नाम का महत्व है। यहाँ पर अगर कोई करुणा सागर का पाठ करता है या राम जी का नाम लेता है तो उसकी सभी पाप संताप खत्म हो जाते। ये धाम का परिक्रमा मार्ग है, ऊपर यहाँ दयाल जी महाराज की तपोस्थली गुफा तक भी आता है, और ये पूरा का पूरा रास्ता वेल कनेक्टेड है पूरे धाम की परिक्रमा। जो श्रद्धालु लोग लगाते हैं उनके लिए, और अब तो इनकी जो ये टीन शेड वगैरह लग के पूरी व्यवस्थित हो गया है, पास में वृक्ष वगैरह लग गए हैं, और ये पूरा का पूरा जो परिक्रमा मार्ग है जो वेल कनेक्टेड है। ये जलकुंड महाराज रामदास जी महाराज के समय का ही बना है। वह ये था कि उनको पत्थरों की ज़रूरत थी और यहाँ पर उनके शिष्य लोग श्रद्धालु खुदाई करते थे। खुदाई करते करते ये एक बावड़ी नुमा जगह बन गई, और बाद में जब धाम के लिए पानी की आवश्यकता हुई तो महाराज ने इंद्रदेव से रिक्वेस्ट की। उनके भजन का प्रभाव था, इंद्रदेव उनकी आज्ञा मानते थे, उन्होंने वर्षा कर इस बावड़ी को जल से भर दिया। बाद में जो होली का मेला जो रामदास जी महाराज ने शुरू किया था, प्रतिवर्ष होली का मेला लगता है यहाँ धाम में, तो होली मेले के अगले दिन धुलंडी को यहाँ पर कमल कुंडी का जो जल में यहाँ तैराई जाती है। और ये रामदास जी महाराज के भजन का आज भी स्पष्ट चमत्कार है कि इस बावड़ी के जल में कमल कुंडी का पत्थर की तैरती है। सनातन धर्म में 68 तीर्थों का महत्व है, और 68 तीर्थ जाने के लिए हमें, अगर सारे 68 तीर्थ पर हम जाए तीर्थयात्रा करें तो 1 वर्ष का समय लगेगा, और भारत के सहित पड़ोसी देशों में भी हमें जाना पड़ेगा। लेकिन सारे तीर्थ यदि एक जगह हमें इकट्ठा मिल सके, ये यहाँ खेड़ापामा है। यहाँ पर जो आचार्य है श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज 68 तीर्थों का जल लाए और अलग अलग सभी तीर्थों के जल की आप स्थापना की है। 68 तीर्थों का जल यहाँ पर एक साथ मिल, और इन्हीं 68 तीर्थों का स्नान पुण्य श्रद्धालु जन यहाँ पर आकर अवश्य लेते हैं। तो अब ये वीडियो पहुंच चुका है अपने अंतिम चरण में, लेकिन उससे पहले यहाँ की राम रसोई और सत्संग भवन को देखना तो जरूर बनता है। ये मुख्य सत्संग भवन है धाम का। यहाँ पर होली मेले के दिन विशेष सत्संग होता है, और यूं तो यहाँ कथा कीर्तन भी होती है। पिछले वर्ष यहाँ मनुप पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज भी कथा करके गए हैं। ये जो परंपरा है यहाँ पर रामदास जी महाराज ने शुरू की। होली मेले को रामदास जी महाराज ने अपने भक्तों से यह कहा कि भाई होली का दिन एक ऐसा होता है कि लोग नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसकी जगह यहाँ धाम पे आए, भजन कीर्तन करे, संतों की वाणी का लाभ ले, वो दिन एक जो बुरे कर्मों में बीतता है वो अच्छे कर्मों में बीतेगा। इस तरीके से उन्होंने होली मेले की नींव रखी, और रामदास जी महाराज के समय से यहाँ पर प्रतिवर्ष होली मेले को हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, और यहाँ भजन कीर्तन होता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज की प्रवचन यहाँ कंटिन्यू होते थे, मतलब जब तक महाराज जी ऋषिकेश परमानेंट रहना शुरू हुए उससे पहले हर होली मेले को यहाँ पर उनका प्रवचन होता था। और अनेक संत महात्मा जो रैन पीठाधीश्वर है, शीश तलवाले हैं, कलताजी पीठ के हैं, जो भी संत महात्मा यहाँ पर आते हैं।
तत्व नाम जाने नहीं फिर गोता खावे साध संगत निष्दिन करे एको राम जी ने ध्यावे। फिर मिलेंगे एक और नए मंदिर की यात्रा में, तब तक के लिए जय श्री राम।